भवाना के निकट विनीत पैलेस में गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर विपिन सिंह परमार ने कहा कि सरकार नारी सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेकों योजनाएं लागू कर रही है और गृहिणी सुविधा योजना इसी कड़ी में हमारी महत्वपूर्ण पहल है। हिमाचल प्रदेश की गृहिणियों को बीमारियों, प्रदूषण और रोजमर्रा के अनावश्यक श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना आरंभ की है। इस योजना में 2,92,000 पात्र परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। यह जानकारी विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने भवाना के निकट विनीत पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में 97 लाभार्थियों को हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा में गैस कनेक्शन वितरित करने के उपरांत लोगों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि जिला में हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना में लगभग 60,000 परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने पर लगभग 21 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुलह हलके में अब तक 3400 परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं और इस पर 1,17,00,000 रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में नए पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान करने और मुफ्त रिफिल देने की व्यवस्था को यथावत रखने के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। उन परिवारों को देना चाहते हैं, ऐसी बहनों को हम पेंशन लगाना चाहते हैं जिनके परिवार में कोई पेंशन धारक नहीं है। 70 साल के बुजुर्गों को पेंशन लगाने का काम हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने सरकार बनने के बाद शुरू किया। पहले 80 साल होती थी उम्र, वही 80 साल तो जिनकी उम्र होती है वो बड़े भाग्यशाली हैं। तो हमने भी पता किया, उन्होंने कहा नहीं जी 80 साल नहीं, 70 साल उम्र करीब। अब हिमाचल प्रदेश में जितने भी 70 साल के बुजुर्ग हैं उनको अपने तहसीलदार साहब या अपने पटवारी से इनकम तस्लीम नहीं करवानी पड़ेगी। उनके परिवार में 3 बच्चे हैं, 4 हैं, 2 हैं, उसकी भी कोई कंडीशन नहीं होगी। अब जैसे हमारे मंडलाध्यक्ष जी ने कहा। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निपजित नीपी की रिपोर्ट।